अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सो जी, आज जो मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ ना, बहुत गर्मी में शुरू कर रही हूँ, और आज जो है मैंने 3 दिन का डाइट प्लान कर रही हूँ। देखूँगी आए कि मैं 3 दिन करना है या कितने दिन कंटिन्यू करना है, लेकिन फिलहाल 3 दिन तक देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। सो आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे कि ये मोस्टली आजकल चल रहा है, ट्रेंड में है कि वो एग डाइट, ठीक है। आपने लंच में और लाइक ब्रेकफास्ट में 3 बॉयल्ड एग्स लेने हैं, और साथ में ग्रीन टी का कप लेना है, और कोई भी साथ में फ्रूट ले लें, आप एप्पल ले लो, ऑरेंज ले लो, ठीक है, एप्रिकॉट ले लो, लीची ले लो, ठीक है, कोई भी फ्रूट लेना आपने तो बस। और रात के टाइम पे ना आप लोगों को लेना ओट्स लेने हैं। सो आज से मैंने स्टार्ट किया है, और बस इसका एक चीज़ ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ना पानी पीना है। आगे मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरा कितना वेट है, और फिर देखेंगे 3 दिन के बाद, 3 दिन या 3रे दिन आपको दिखाऊंगी रिजल्ट कि कितना वेट लूज हुआ है, ठीक है। तो बस वो मैं 3 दिन का नाम इकट्ठा जो ना व्लॉग कंबाइन करूंगी, और फिर 3रे दिन आप लोग रिजल्ट देखिएगा। डे 1 ब्रेकफास्ट। इधर जो है मैं लाइक अपना वेट कर रही हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 65 है, और आज जो है मैं लाइक डाइट स्टार्ट करने से पहले मैं वेट कर रही हूँ। सो बस इधर ब्रेकफास्ट में मैंने लाइक 3 बॉयल्ड एग्स लिए, ठीक है, आप एप्पल ले लें, कोई लीची ले लें, या कोई भी फ्रूट ले लें, ठीक है। मैंने एप्रिकॉट ले लिया था, और इसके साथ जो है आप ब्लैक पेपर नमक पर डाल लें आप, और साथ में ग्रीन टी आप लोगों ने मस्त लेनी है, ठीक है। और ये 3 दिन जो था ना, मैंने लाइक ना सुबह के टाइम ना शाम में कोई भी समझ लो लाइक चाय नहीं ली, ठीक है, और जस्ट ग्रीन टी ली है। इसके अलावा ये है कि आप लोग लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है कि यार इतने एग्स कैसे खाए जाएंगे, क्योंकि एक एग का ही बस हो जाता है, और मे भी मोस्टली लाइक बॉयल एग जो मैं अगर लेती थी ना, एक एग की यूज होती। सो बस यहाँ पर मैंने बिस्मिल्लाह की, और यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके एग मैंने खाना स्टार्ट किया, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एग खा रही हूँ। मुझे बॉयल एग्स बहुत बहुत पसंद है। Day 1 लंच। तो ये मेरा लंच आ जाता है, इसमें 3 बॉयल्ड एग, कोई फ्रूट ले लें, मैंने एप्रिकॉट लिया, और साथ मेरा ग्रीन टी आ जाती है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं, देखते हैं कब तक मैं इस डाइट को पूरा करती हूँ। आज मेरा Day 1 है। मैंने अपने पास ना मेरे अपनी पानी की बोतल रखी हुई है, ठीक है, और ये सुबह से पानी पी जा रही हूँ। बस ये है कि एग डाइट में आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वैसे डाइट ना पीने रेगुलर डेज में भी पानी वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा ये कि मैंने दूसरी दफ़ा ना पानी भी ख़त्म कर दिया है, और बस अभी इसको दोबारा फिलअप करवाती हूँ, और फिर लाइक पानी पीना दोबारा स्टार्ट करूँगी। तो बस ये जितना मैक्सिमम हो सकता है आप लोग पीते चाहें, कम से कम भी ना आप लोगों ने लाइक दिन के जो है ना 8 से 9 ग्लास पानी पी लेने हैं, इससे ज़्यादा भी ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना मर्जी पी लें। तो बस Day 1 डिनर। और इसको इतना पकाना है कि अच्छी तरह ना ये पक जाए, ठीक है, और ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा हो जाए, ज़्यादा वाटरी जो है ना वो थोड़ा कम हो जाए पानी इसका, और फिर हम लोगों ने निकाल के इसको फिर हम लोगों ने खाना है, और फिर इसके साथ आधे घंटे के बाद ग्रीन टी पीनी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रेडी हो गए ऑट्स, ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक प्लेट में निकाल ली, और देख सकते हैं किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। सो बस ये आप लोगों ने लेना है, और उसको लेने के बाद भी साथ के साथ आप लोगों ने ग्रीन टी लेनी है, ग्रीन टी लेके, और बस Day 2 ब्रेकफास्ट। अगेन जो है मैं यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट डे है Day 2, और यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, और इसके अलावा ब्लैक पेपर, नमक और रेड चिली क्रश, ठीक है, ये आपने हल्दी जरूरत लेनी है जितनी आपको रिक्वायर हो। और यहाँ पे मैंने गोभी ली, और गोभी पकेगी, ठीक है, इसका मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं, आप चाहें और भी चॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 टेबलस्पून ओट्स थे, जो कि मैंने इसको ग्राइंड कर लिए ताकि एक थोड़ा सा पाउडर टाइप का बन जाए, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने नमक मिर्च सारा कुछ बीच में डाल देना है, नमक मिर्च, ये वाली हमने ओट्स डाल देनी है, और इसके अलावा हम लोगों ने अंडे डाल के बीट करके चूल्हे पे डालने हैं। आपको मैं बताती हूँ कैसे पकेगा। अब इसको अच्छी तरह हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। ये डाल के ना मैंने ना चम्मच से फैला लिया, ठीक है, कि ये रोटी टाइप से बन गई है। बस एक साइड इसकी चीज़ ब्राउन हो जाती है, देन दूसरा साइड करेंगे, और आपने बिल्कुल 0 ऑयल ड्रॉप नहीं होता, 0 नहीं कुछ ज़्यादा भी नहीं, 1 कतरे से भी थोड़ा सा आधा कतरा लेना है, और मेक श्योर करना है कि आपका पैन जो है ना वो
लाइक ऑयल फ्री हो, लाइक क्या नॉन स्टिक हो, और उसके बाद वो फिर आपने खाली खाना है इसको ग्रीन टी के साथ, और साथ में एक कप ग्रीन टी लेनी है। यहाँ पे मेरा जी ब्रेकफास्ट लग गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि कैबेज है, ठीक है, कैबेज के अलावा दो अंडे हैं और नमक मिर्च, रेड चिली हसब ज़रूरत, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने ओट्स लिए थे 5 टेबल स्पून, लेकिन ओट्स को मैंने ग्राइंड किया, क्रश कर लिया, ठीक है, वो बीच में डालें, और गोभी जितनी आपको रिक्वायर है वो ले लें। बस एक और इस तरह मैंने ना एक बना दिए, देख सकते हैं एक रोटी टाइप की बन गई है। और इसके साथ आप कोई भी फ्रूट ले लें, मैंने एप्रिकॉट ले लिया, और इसके साथ मेरी ये ग्रीन टी आ जाती है। डे टू लंच, इधर जो मेरा है लंच आ जाता है, ये 3 अंडों का ऑमलेट है, और इसके अलावा आप कोई भी फ्रूट ले लें, और ये टमाटो है, एक टमाटो, साथ में ग्रीन टी मस्ट। डे टू डिनर, और ये डे टू का डिनर है ओट्स, और इसके अलावा फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट ले लें, मेरे पास सीजनल आया हुआ था वो लीची, तो लीची ले ली मैंने, और साथ में ग्रीन टी। सो बस ग्रीन टी है, और ये मेरा छोटा सा डिनर है, कल मेरा 3rd डे और लास्ट डे होगा इंशाल्लाह। Day 3 ब्रेकफास्ट, और जी ये आज का ब्रेकफास्ट है, Day 3 ब्रेकफास्ट, और कोई भी आप फ्रूट ले लें, एप्पल ले लें, एप्रिकॉट ले लें, लीची ले लें, और ये एग्स हैं बॉयल, और साथ में ग्रीन टी का कप है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा दिन करके, और फिर कल देखूंगी कितना वेट लॉस हुआ है। Day 3 लंच, और जी ये गोभी आ चुकी थी, कैबेज, कैबेज के साथ चिकन है, ये कैबेज चिकन सैलेड है, और इसके अलावा 2 बॉयल्ड एग्स हैं, कुकम्बर है, और ग्रीन टी है। ये Day 3 का लंच है। Day 3 डिनर, Day 3 में अगेन मैंने जो है वो ओट्स लिए हैं, और ग्रीन टी का कप लिया है, और साथ में आप कोई भी फ्रूट ले लें, मैंने लीची ले ली है सुबह। और इसके अलावा फिर हम लोग मैं जो एक्सरसाइज कर रही थी, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज कर रही थी जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट लाइन लेग लिफ्ट है, और इसके अलावा भी साइकिलिंग आ जाती है, और मेरे के 3-4 हैं जो आप लोगों ने करनी है, ठीक है, हमें मैंशन की हुई है कितनी कितनी लाइक आपने टाइम्स करनी है, लाइक आप रात को सोते हुए कर लो, ठीक है, या सोने से पहले कर लो, या सुबह उठ के कर लो खाली पेट, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा मेरे मस्त है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है, और इसके अलावा लाजमी एक चीज़ ये भी है, इसमें डोंकी केक्स हैं, आप लोगों ने डोंकी केक्स भी लाइक वो करनी है, और क्योंकि ये एक्सरसाइज में ना बहुत अहम रोल जो है ना वो अदा करती है। सो बस यहाँ पे मैंने लाइक वीडियो में ना सारा कुछ मेंशन कर दिया हुआ है कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, कि कौन कौन से आप लोगों ने करनी है, और किस तरह और कितने कितने टाइम आप लोगों ने करनी है। सो आप लोगों को ये भी समझ अगर आ गया है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, और आगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा वेट कितना हो गया है। और जी यू आज Day 4 है, और यहाँ पे मैं फिट कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 65 से 60 पे आए, और इस टाइम में सिर्फ एग्स ही एग्स खाने होते हैं, ओट्स हैं डिनर में, और आपने लाइक एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, वॉक ज़रूर करनी है डेली बेसिस पे, और पानी का इनटेक बहुत करना है, सुबह से ये चीज़ है। और इसके अलावा बाकी आपने जितनी भी आप डाइट ले रहे हैं, इसमें आपने लाइक हर एक मील के साथ आप लोगों ने फ्रूट लेना है,